हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो वेदी। यस आई नो आप सब लोग इस वीडियो का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। पीछे आप जो बाइक देख रहे हैं, दिस इज़ द ओनली वीस्ट्रॉम 250SX विच हैज़ गॉट लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन। यस यू हर्ड इट राइट, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, दोनों आगे और पीछे। ये सारे मॉड्स हमने खुद किए हैं इन हाउस विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी कस्टमाइजेशन सेंटर्स, राइट। यहाँ पे जो मैंने हेल्प ली है वो मेरा एक फ्रेंड है, ही रन्स अ गराज, तो आई हैव टेकन हिज हेल्प इन गेटिंग थिंग्स इंस्टॉल्ड ऑन द बाइक, बट इसके पीछे जो दिमाग लगा है वो मेरा है। सो विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हमको चेंज करने पड़े और वो कॉम्पोनेंट्स चेंज करने के बाद कितना ट्रैवल बढ़ गया है आगे पीछे, बाइक का राइडिंग डायनेमिक्स में कितने चेंजेस हुए हैं, ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सीट हाइट कितनी बड़ी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। टच टू मेन पॉइंट्स बिफोर जंपिंग इनटू क्या डिटेल्स हैं आगे और पीछे के सस्पेंशन चेंजेस में। सो पहला चेंज जो हुआ है वो हुआ है ग्राउंड क्लियरेंस में। बाय कंपनी जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो आता है 205mm का। नाउ विद दिस अपग्रेड द ग्राउंड क्लियरेंस हैज गॉन अप टू 260mm। दैट्स ह्यूमंगस। मोटोक्रॉस बाइक्स में उतना ग्राउंड क्लियरेंस आता है। So you guys can imagine what fun you guys can have with this upgrades. Second, बात करते हैं सीट हाइट की। स्टॉक सीट हाइट इज़ 835mm। नाउ विद दीज मॉड्स सीट हाइट बढ़ गई है ऑब्वियसली बिकॉज गाड़ी का स्टांस ऊँचा हो गया है। अभी इसका जो सीट हाइट है वो है 860mm। येस इट्स क्वाइट ऑन द हायर साइड, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। जो एडवेंचर 390 आती है उसकी सीट हाइट इज़ 855mm और इसका 860mm है आफ्टर द मॉड्स। ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं सीट का, विच इज़ क्वाइट नैरो, तो पैर नीचे पहुंचने में उतनी दिक्कत नहीं होती। आई एम 5'8", मैं अगर दोनों पैर नीचे रखने चाहूँ तो टिपटो होता है। सेम थिंग विलीमैन, सेम फॉर पीपल हु आर अप टू 5'10", 5'11". जो 6 फुट एंड अबव हैं वो शायद दोनों पैर फ्लैट फुट कर पाएँ। तो ये तो हो गया चेंजेस जो हम देखते हैं सस्पेंशन की हाइट बढ़ाने की वजह से। अब बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट सस्पेंशन में अगर आप देखें तो हमने बॉटम केस और पाइप को चेंज नहीं किया है। दिस इज़ स्टॉक। जो भी चेंजेस हुए हैं इसके अंदर हुए हैं। सो इंटरनली वी हैव रिप्लेस्ड 3 थिंग्स। द वेरी फर्स्ट इज़ हिमालयन का स्प्रिंग। सेकेंड इज़ जो वॉल्व स्टेम यहाँ नीचे लगता है वो हिमालयन का है। एंड थर्ड, स्प्रिंग के ऊपर जो स्पेसर लगता है उसको हमको थोड़ा सा कट करना पड़ा और वो स्पेसर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये 3 चीज़ के अलावा चौथी चीज़ हमने जो ऐड की है इसमें वो किया है हाई ग्रेड हाई डेंसिटी फोर्क ऑयल। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का जो ऑयल आता है वो आता है 2W40 का, और जो हमने ग्रेड ऑफ ऑयल यूज़ किया है वो किया है 5W35 फ्रॉम मॉड्यूल। एंड अगेन दीज आर फोर कॉइल्स स्पेसिफिकली मेड फॉर फोक्स। उसके बाद ये सस्पेंशंस सॉफ्ट तो हैं पर इतने भी सॉफ्ट नहीं है कि वो हाई स्पीड पे आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब करें। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव इंक्रीज द ग्रेड ऑफ ऑयल। एंड टू माई पर्सनल लाइकिंग मैंने ऊपर 25mm का एक प्रीलोड स्पेसर भी डाला है, वो जो आपको सिर्फ ये कैप खोल के यहाँ पे डालना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, बाइक की स्प्रिंग पे थोड़ा सा टेंशन आता है और उस थोड़ा सा हार्ड हो जाती है आगे की स्प्रिंग्स, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सस्पेंशन का कम्फर्ट होता है थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, विच इज़ गुड वैन यू आर राइडिंग द बाइक फास्ट एंड ऑन हाईवेज। ये हुए सस्पेंशंस के मॉड्स के बारे में बात। अभी सस्पेंशन का हाइट बढ़ने की वजह से ये जो ब्रेक होस है उसका लेंथ कम पड़ता है, तो टू कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव बॉट ब्रेक होस एक्सटेंडेड फ्रॉम अमेज़ॉन
ये कुछ 1,500 रुपये के आसपास आ जाता है एंड दिस इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आपको मेन होस्ट में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ ये एक्सटेंडर लगाना है यहाँ पे एंड यू आर गुड टू गो, एंड ब्रेक के परफॉर्मेंस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। नाउ बिकॉज द होस्ट लेंथ हैज़ इंक्रीज्ड, जो ABS केबल है उसको भी आपको रीराउट करना पड़ेगा। सो इफ़ यू सी हियर क्लोजली, ये ABS मोटर है। अभी पहले जो ABS केबल आता था वो ऊपर से राउटेड था, लेकिन आफ्टर दिस मॉड ये ABS केबल मैंने नीचे से राउट किया है, दैट्स इट। और वो राउट होने के बाद प्रॉपरली अपनी जगह पे आ जाता है। वी डोंट हैव टू मेक एनी कट्स इन द केबल, विच इज़ नॉट व्हाट आई इवन प्रिफर, बिकॉज सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये सारी बातें हो गई आगे के सस्पेंशन के मॉड्स के बारे में। एक बार मैं आपको राइडर पोजिशन से भी दिखा देता हूँ कि हाउ दिस लुक्स। इस वीडियो में हम सिर्फ सस्पेंशन पे फोकस करेंगे, देर आर अदर मॉड्स ऑल्सो हैव डन ऑन दिस बाइक। ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन रेसिंग के हमने हैंडल बार राइजर्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से राइडिंग ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा अपराइट हो जाती है और आपके हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील नहीं होते हैं। दे आर बेंड फ्रॉम योर यू नो एल्बोज, विच यू रिक्वायर वाइल ऑफ रोडिंग एंड फॉर अ कम्फर्टेबल टूरिंग पोजिशन। अब बात कर लेते हैं पीछे के सस्पेंशन के बारे में। काफ़ी लोगों ने टीज़र वीडियो में अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये जो सस्पेंशन है ये एक्सपल्स का सस्पेंशन है, बट प्लीज़ माइंड, ये सस्पेंशन स्टॉक फिट नहीं होता है बाइक पे। जो वीस्ट्रॉम का सस्पेंशन है उसका टॉप आई टू बॉटम आई जो सेंटर डिस्टेंस है वो कम है कंपेयर टू एक्सपल्स। एक्सपल्स का रियर सस्पेंशन काफ़ी लंबा है, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जो टॉप हेड होता है सस्पेंशन का वो खोलना पड़ा, वो खोल के उसको मशीन करा के अराउंड 25-30 mm कम कराना पड़ा और फिर उसको सस्पेंशन में फिट करके इसमें बाइक में लगाना पड़ा। दैट्स इट, दैट्स द ओनली मॉड यू हैव टू डू ऑन रियर सस्पेंशन, बट इट्स लिटिल ट्रिकी। इफ़ यू हैव अ लेथ मशीन गाय नियर बाय और अ मशीनिंग यू नो वर्कशॉप नियर बाय तो काम आराम से हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ़ यू नो द राइट पीपल हु कैन डू दिस जॉब, इट विल मेक योर वर्क ईजी, अदरवाइज दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू डू। नाउ आफ्टर दिस चेंजेस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू गाइज विल आस्क मी कि राइडिंग डायनेमिक्स में कितना चेंज हुआ है। सो वन थिंग फॉर श्योर, द बाइक हैज़ बिकम वेरी वेरी कम्फर्टेबल ऑन बैड रोड्स एंड ऑफ रोडिंग बिकॉज ऑफ हिमालयन फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर एक्सपल सस्पेंशन। हिमालयन के फ्रंट सस्पेंशन का परफॉर्मेंस आपको पता है, एक्सपल्स के रियर सस्पेंशन का परफॉर्मेंस आप लोगों को 100% आइडिया है ऑफ रोडिंग में कैसा है। जस्ट इमेजिन दैट सस्पेंशन सेटअप विद वीस्ट्रॉम 250s, बड़ा स्मूथ यू नो ऑयल कूल्ड इंजन, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ दिस बाइक वुड बी बिहेविंग ऑन रोड एंड ऑफ रोड। दिस इज़ वेरी वेरी प्लाइंट ऑन हाई स्पीड्स, वेरी कम्फर्टेबल एंड ऑफ रोड में इट्स अ फन मशीन। येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू शोकेस इज ऑफ रोड ABS। यहाँ पे भी हम लोगों ने कोई वायर्स चेंज नहीं किया है, वी हैव जस्ट इंस्टॉल्ड दिस स्विच जो ABS फ्यूज में जाके जो सीट के नीचे है वहाँ कनेक्ट होता है। नाउ द वे यू एनेबल एंड डिसेबल ABS इज, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर ABS ऑन यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस, द लाइट टर्न्स ऑन, दिस इंडिकेट्स दैट योर ABS इज़ वर्किंग। जब आप ऑफ रोडिंग जाते हैं इट्स ईजिली एक्सेसिबल फ्रॉम योर हैंड, इसको ऑफ करना है और ये ऑफ़ करते ही आपका आगे का और पीछे का दोनों ABS टर्न ऑफ हो जाते हैं एंड यू कैन एंजॉय ऑफ रोडिंग। यू कैन लॉक योर रियर व्हील, स्लाइड ऑन मड एंड हैव फन, बट प्लीज़ कीप नोट कि आगे का भी ABS यहाँ पे बंद हो जाता है। सो इफ़ यू टर्न ऑफ द ABS, बोथ द ABS आर टर्न ऑफ। दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशन आई हैव डन ऑन दिस बाइक टू मेक इट मोर फ्रेंडली ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग केपेबल। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं दैट मेक्स सेंस, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु ओन सुजुकी वीस्ट्रॉम SX250। दे माइट नीड टू अपग्रेड टू दीज सस्पेंशंस बिकॉज आफ्टर दिस अपग्रेड द राइडिंग दिस बाइक इज़ अ ब्लिस ऑफ रोड ऑन रोड एवरीवेयर विद कॉम्प्लीमेंटिंग द स्मूथ इंजन सुजुकी प्रोवाइड्स। थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, do like this video, subscribe to the channel and I'll see you very soon. Bye.